दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के 5 सबसे टैलेंटेड और स्मार्ट जानवरों के बारे में, जिसे देख के आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और घंटे को भी दबा दें। चिकन प्लेइंग पियानो। दोस्तों इस मुर्गी का नाम जोकू है, जिसे इन दोनों महिलाओं ने पियानो बजाने की ट्रेनिंग दी है। जोकू को अपना टैलेंट दिखाने के लिए अमेरिकाज गॉट टैलेंट में फीचर किया गया था, पर स्टार्टिंग में जब जोकू पियानो पे आया तो लोग इसे देख के चिढ़ाने और इसका मजाक बनाने लगे, क्योंकि वहां बैठी ऑडियंस को लगा कि ये दोनों महिलाएं सिर्फ यहां पे टाइम वेस्ट करने के लिए आई हैं। लेकिन जैसे ही जोकू ने पियानो बजाना स्टार्ट किया, लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों मजे की बात तो ये है कि जोकू कोई भी बटन ऐसे ही नहीं दबा रहा था, इसने प्रॉपर एक धुन बजा के दिखाई थी, जिसे सुनने के बाद सभी ऑडियंस और जजेस ने खड़े होकर जोकू के टैलेंट के लिए तालियां बजाई और जोकू ने अपने टैलेंट के साथ साथ अपने दोनों ट्रेनर्स की सालों की मेहनत सफल कर दी। दोस्तों इससे ये साबित होता है कि किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। क्रो यानी कौआ। दोस्तों आप सभी ने बचपन में कौए के एक मटके में पत्थर डालकर पानी पीने की कहानी तो जरूर सुनी होगी, और आप में से कुछ लोगों ने सोचा होगा कि असल में ऐसा होता भी है या हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। और यही सोचकर इन साइंटिस्टों ने इस कौए पे टेस्ट किया तो इसने ठीक वैसा ही किया जैसा हमें बुक्स में पढ़ाया गया था। और ये देखकर इस कौए पे और भी टेस्ट किए गए और हैरानी की बात ये है कि ये सभी टेस्ट में पास हो गया। पैरट यानी तोता। दोस्तों आप सभी ने मैं प्रेम की दीवानी हूँ मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें एक तोता होता है जो बात करता है और गाना भी गाता है। तो मिलिए अब गाउचू से, जो अमेरिका के डिज्नी एनिमल किंगडम पार्क में रहता है, जिसका गाना सुनने के लिए लोग हर दिन टिकट खरीद के आते हैं। एलिफेंट पेंटर। दोस्तों पुराने समय से हाथी का इस्तेमाल सिर्फ भारी सामान उठाने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पर ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये हाथी पेंटिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलिए थाईलैंड के हाथियों से, जिनको पेंटिंग करने की ट्रेनिंग मिली हुई है। दोस्तों ये हाथी इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं कि इनके सामने कोई भी कलाकार फेल हो जाए। और ना सिर्फ ये पेंटिंग करते हैं, बल्कि लास्ट में ये अपना नाम ब्रश से लिख देते हैं, ताकि ये पता लग सके कि इसको किस हाथी ने बनाया है। क्यों दोस्तों, है ना कमाल का टैलेंट। मॉन्की। दोस्तों बहुत हुई बाहर देशों के जानवरों की बातें, अब बात करते हैं अपने देसी बंदर और मदारी की बात। दोस्तों आप सभी ने कभी न कभी इन बंदरों का खेल तो जरूर देखा होगा कि इसमें कैसे मदारी अपने बंदरों से मजेदार कर्तव्य कराता है और सभी को एंटरटेन करता है। सलमान खान वाला जंप बताओ। दोस्तों वैसे तो सभी एनिमल टैलेंटेड थे, पर आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा मस्त लगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें और हमारी वीडियोस को व्हाट्सएप पे शेयर करके हमें सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।